जेएनयू एसयू अपने इंडिफरेंट अंडर स्ट्राइक के तीसरे दिन पर और यहाँ कई साथियों की स्थिति भी गड़बड़ हो रही है, लेकिन उसके बावजूद ये जेएनयू का प्रशासन जिस चार्टर ऑफ डिमांड पर हम बात करने के लिए कह रहे थे कि एमसीएम को बढ़ाया जाए, बराक हॉस्टल को खोला जाए, जेएनयू से एग्जाम हो, कास्ट सेंसिटाइजेशन और कास्ट सेंसस हो, इस कैंपस को जेंडर सेंसिटाइजेशन हो, जेंडर आईसीसी ऑडिट रिपोर्ट आए, तमाम सवाल जो कि इस कैंपस के मूलभूत सवाल थे अभी तक 3 दिन के हंगर स्ट्राइक के बाद भी अभी तक प्रशासन से कोई नहीं आया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हम यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ हमें बिजली नहीं दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। जब हम कह रहे हैं कि हमें सुबह बिजली चाहिए तो अभी तक टाल मटोल इसमें किया जा रहा, अभी तक बिजली नहीं दिया गया। और उसके साथ साथ आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ है और हम कह रहे हैं कि मीडिया को यहाँ पे सारे भूख हड़ताली बैठे हुए हैं, मीडिया को अंदर आने की अनुमति दिया जाए, लेकिन हम देखते हैं कि वाइस चांसलर अपने रूम में बैठा के मीडिया से बात कर लेती हैं, लेकिन जो छात्र अगर मीडिया से बात करना चाहे, भूख हड़ताली अगर मीडिया से बात करना चाहे, तो वाइस चांसलर ऐसा नहीं चाहते हैं, न कि यहाँ का प्रशासन चाहता है। तो हम आप सभी साथियों से अपील करते हैं कि इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए, इस लड़ाई को और मजबूत कीजिए। ये सारे हमारे कैंपस के सवाल हैं, ये इस कैंपस के आज के सवाल हैं और कल के भी सवाल हैं। हम देखते हैं कि वाइस चांसलर मैडम बैठी हुई है अपने एसी रूम में अपना काम कर रही है और हम यहाँ पे गर्मी में भूख हड़ताल कर रहे हैं। 3 दिन से यहाँ पे किसी ने रसोला वो बैठे थे, उन्होंने कुछ नहीं खाया है और बहुतों की तबीयत भी बिगड़ी है, उनका एडवाइस भी करा गया। हमारे साथी हैं साजिद जॉइंट सेक्रेटरी, उनको मेडिकल इमरजेंसी की वजह से बीमार हैं, जो परेशान हैं और अभी तक कोई भी डायलॉग करने वाइस चांसलर या एडमिन यहाँ पे नहीं आया है। और हमें यहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं करी जा रही है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ इनमें दिन में भी इलेक्ट्रिसिटी दिया जाए वो नहीं दिया जा रहा है। और हमें बात रखने के लिए अपनी बात सब तक पहुँचाने के लिए भी साधन नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तो प्रेस वाले उनको अंदर भी नहीं आते। वाइस चांसलर मैडम तो करवाती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अनगिनत और एकदम करवा देती हैं, पर हमें अपनी बात जो पहुंचानी है उसके लिए हमें रोका जा रहा है। ना ही एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारी बात पहुंच पा रही है, ना ही प्रेस तक और ना ही लोगों तक। मेरा आपसे यही आवेदन है जेएनयू के लोगों से कि इस मूवमेंट को बड़ा कीजिए, वहाँ पर हमारी प्रोटेस्ट साइट के सावर मतलब 3 पॉइंट और एडमिन 3 पॉइंट